नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका श्रेष्ठा, रीडर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, हारमोनी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, फिरोजपुर, पंजाब। सो आज हम चर्चा करेंगे अग्निकर्म के बारे में और हम इसका प्रोसीजर भी देखेंगे। अग्निकर्म, अग्नि और कर्म, अग्नि मतलब फायर, तो जहाँ पे भी हम फायर का या किसी वस्तु को गर्म करके उसका प्रयोग करते हैं उसको अग्निकर्म कह सकते हैं। अग्निकर्म का रेफरेंस अगर हम क्लासिकल जो हमारी सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, अगर हम इनकी बात करें तो उसमें पेन मैनेजमेंट के लिए, मतलब दर्दों में हम इसका, जो मस्क्यूलर स्केलेटन यानी कि जोड़ों के दर्द होते हैं या टेंडन्स की में सूजन आने की वजह से दर्द होते हैं या लिगामेंट में सूजन आने की वजह से दर्द होते हैं या जैसे लो बैक पेन होता है किसी को, तो हम उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं फॉर द पेन मैनेजमेंट। मतलब जैसे हम पेन किलर्स लेते हैं आमतौर पर, बट अगर हमें इंस्टेंटली कहीं जॉइंट पे कोई पेन है और हम उसको रिलीव करना चाहते हैं तो अग्निकर्म उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसके कुछ मल्टीपल सेटिंग्स हमें करने पड़ते हैं और इसके साथ हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म में भी ये पेन्स जो हैं वो क्योर हो जाएं, क्योंकि जो बीमारी है हमें उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है, बट इंस्टेंटली उस सिम्टम को, जो पेन का सिम्टम है, उसको कम करने के लिए हम अग्निकर्म एज अ प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कोई। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बट इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं इन केसेज ऑफ पेन। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया गया है कई सारी स्किन डिजीजेज में, जैसे कॉर्न है, कॉर्न को निकालने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी के मस्से हो गए हैं उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बॉडी में इस तरह की जो ग्रोथ्स हैं, जैसे मस्से हैं जिसको हम अपनी भाषा में वॉर्ड्स या मोल्स कहते हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी हम अग्निकर्म एज अ प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अग्निकर्म को स्किन की भी कुछ बीमारियों में यूज किया जाता है, तो अग्निकर्म एज अ होल बहुत जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इसका हम प्रयोग करते हैं वो है पेन मैनेजमेंट में। तो अगर किसी को लो बैक पेन है तो उसमें इसके प्रयोग से इंस्टेंटली पेशेंट को पेन रिलीव हो जाता है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है जिसमें जोड़ों के बीच में स्पेस कम हो गई है, वहाँ पे आमतौर पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और इंस्टेंटली पेन रिलीव करना पेशेंट एक्सपेक्ट करता है, तो उस केस में हम अग्निकर्म अगर करें तो इंस्टेंटली पेशेंट को पेन रिलीव हो जाता है।